हाय गाइस कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो या आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ मीशो हॉल और मीशो की अभी आपको लगातार वीडियोस देखने को मिल सकती हैं सो स्टे ट्यून्ड और जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं मीशो टॉप रीसेलिंग ऐप है इंडिया की जिसके अंदर आप ख़ुद का बिजनेस भी कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से ख़ुद के लिए शॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी या जिससे आपको क्वालिटी की और यू नो अदर प्लेटफॉर्म पर कंपेरिजन थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह से यू you नो know, आपको यहाँ पर होलसेल प्राइसेस मिलते हैं मीशो पर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यू you नो know, एक दुपट्टा से एक गोल्डन दुपट्टा मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में जिक्र भी किया था मैंने एक गोल्डन दुपट्टा ऑर्डर किया हुआ अभी आया नहीं था बट अब मुझे वो रिसीव हो चुका है एंड दिस इज़ दिस गोल्डन दुपट्टा इसके अंदर गोल्डन ही बेस है एंड uh, इसके ऊपर गोल्डन का ही यू नो इस तरह से गोटा पट्टी का काम हो रखा है यहाँ पर आपको टेसल्स मिल जाते हैं लेंथ एंड वर्थ काफ़ी अच्छी है एंड दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड क्लोरा क्रिएशन ठीक है एंड uh, मैं आपको कंपैरिजन की बात कर रही थी तो अभी दिखाती हूँ ये मुझे अराउंड 550 के आसपास पड़ा है मीशो से एंड ये एक दुपट्टा आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा हो अगर मैंने ये मिंत्रा से लिया था मैंने जिस प्राइस में लिया था वो थाउजेंड रुपीज़ यस गाइस ये थाउजेंड एंड एग्जैक्टली सेम ब्रांड है ये भी क्लोरा क्रिएशन का है यू कैन सी सिर्फ कलर में डिफरेंस है क्वालिटी आई हैव क्रॉस चेक एवरी इज़ एग्जैक्टली सेम एक गोल्डन दुपट्टा आप काफ़ी लंबे टाइम से पूछ रहे थे तो ये गोल्डन दुपट्टा काफ़ी अच्छा मुझे लगा तो आपके फेस्टिव आउटफिट्स के साथ काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ ये चल जाएगा क्योंकि गोल्डन कलर कुछ ना कुछ होता ही एम्ब्रॉयडरी हो गया या फॉइल प्रिंट हो गया तो आप इसे अपने वार्ड्रोब में एज अ स्टेपल इंक्लूड कर सकते हैं मैं आगे इसको स्टाइल करके दिखाऊँगी कुछ कुर्ता सेट के साथ तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से ये दिखता है तो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम एंड इसके बाद मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ द वन ये यू नो सिल्क चंदेरी सिल्क जो है उस तरह का मटेरियल है एंड स्ट्रीट uh, कुर्ता जो है वो है लेंथ इसकी काफ लेंथ तक आती है मुझे एंड मेरी हाइट एंड मेज़रमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गले पे बहुत अच्छा यू नो पैच वर्क हो रखा है एंड गोटा पट्टी की डिटेलिंग है और साथ में ये इस तरह से अंगरखा पैटर्न के अंदर ना वी नेक है वी नेक काफ़ी प्यारा लगता है आप इसे अच्छे से ज्वेलरी के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एंड या uh, yeah, इस तरह की स्लीव्स मिल जाती है पैच वर्क और गोटा पट्टी की डिटेलिंग है यहाँ पे नीचे ये जो देख रहे हैं आप इसके अंदर ये प्रिंट है बहुत ही प्यारा है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फॉयल प्रिंट है एंड ये फ्लावर्स बने हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये स्टफ़ भी काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन इसके अंदर आपको लाइनिंग नहीं मिल रही है ऐसा सी थ्रू का कोई इशू नहीं है बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वेयर इनर इनसाइड के साथ ये आता है इस तरह की कॉटन की पेन्स हैं ये वाइड लेग पैंट्स हैं बहुत ज़्यादा भी uh, चौड़ी नहीं है तो यू कैन सी कैसा है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग uh, है इसकी फ्रॉम फ्रंट दिस इज़ हाउ इट लुक्स और बैक से इस तरह का इलास्टिक है तो ये ऑफ वाइट के अंदर है दिस इज़ द कलर कॉम्बिनेशन एंड इसके साथ आ, मैंने ये गोल्डन दुपट्टा भी स्टाइल करके दिखाया है तो यू कैन सी कि किस तरह से पूरा लुक आ रहा है तो ईज़ीली आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं फॉर नॉर्मल डेज एंड थोड़ा सा अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिए एंड इसे स्पेशल ओकेज़न अप्रोप्रिएट भी बना सकते हैं गोल्डन वर्क है तो गोल्डन ज्वेलरी इसके साथ पैर कीजिए काफ़ी अच्छा लगेगा हाई हील्स डाल सकते हैं जुत्तीस डाल सकते हैं जो भी आपको कम्फर्टेबल लगे तो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ता सेट इसके बाद जो कुर्ता सेट है बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत अच्छा वर्क हो रखा है एंड स्टफ़ भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है स्पेशली मॉनसून एंड समर में ऐसा स्टफ़ काफ़ी अच्छा लगता है एंड स्लीव्स आपको इस तरह की मिल जाती है फ्रंट पे आप देखिए ए स्ट्रेट कुर्ता है ये एंड साइड स्लिट्स के साथ आता है गले पे इस तरह का वर्क हो रखा है और नीचे भी बीच बीच में आपको इस तरह की बूटियाँ मिल जाती हैं इसके अंदर ये फॉयल पेपर वाला काम है और थ्रेड वर्क है यू कैन सी सिल्वर जरिए का भी थोड़ा काम है इस पर यहाँ पर भी आपको दो बूटियाँ मिल जाती हैं ईच स्लीव पे एक, -एक। ठीक है तो दिस इज हाउ दिस लुक्स एंड बहुत ही सॉफ्ट है और यू नो सूदिंग है गर्मियों के हिसाब से और मानसून के हिसाब से ठीक है इसके बाद ये इस तरह की पेंस आती है ये भी यू नो इस तरह की है स्ट्रेट पेंट काइंड ऑफ है और इसके ऊपर नीचे गोटा पट्टी का इस तरह से डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ नीचे भी इन्होंने लगाया हुआ है बैक से आपको इलास्टिकेटेड मिल जाता है और ये और इनमें सब में मैंने मीडियम साइज मंगवाया है तो ये जो स्टफ है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है रेन मटेरियल है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा ऐसे मौसम में एंड इसके साथ आता है ये दुपट्टा जो कि है इस तरह से मल्टी कलर लहरिया सॉर्ट ऑफ़ एंड लंबाई और चौड़ाई आप ऑन में देख सकते हैं इसकी डिसेंट है ये शिफॉन मटेरियल के अंदर है शिफॉन काफ़ी कंफर्टेबल होता है कैरी करना और इसके ऊपर भी गोटे का काम यू नो बाउंड्रीज पे किया हुआ है पूरा चारों तरफ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कलर अच्छा लगा इसका एंड जो स्टफ है ना पहनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट लगता है तो क्वालिटी वाइज भी अच्छा है ये इसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड पीस वो भी कुर्ता सेट है और ये थ्री uh, पीस में है इसका भी जो बेस्ट चीज़ मैं बोलूँगी ना जैसे ये बॉडी को टच होता है ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है काफ़ी सॉफ़्ट मटेरियल है इसका एंड ये रेन मटेरियल में है बहुत सुपर सॉफ्ट मतलब अभी तक जो भी मैंने कपड़े डाले हैं ना मतलब इसका टच मुझे इस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा कंपेरेटिवली यहाँ से फ्रंट पर आपको इस तरह का काम मिल जाता है थ्रेड वर्क है पूरा का पूरा कोई प्रिंट फॉल प्रिंट कुछ भी नहीं ऐसा। Then, 3, है ऐसा देन स्लीव्स आपको थ्री फोर्थ से लंबी मिलती हैं स्ट्रीट कुर्ता है कलर बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है इसका है ना पीच uh, पिंक कलर जो होता है बिल्कुल लाइट पाउडर पिंक जिसे बोलते हैं वो है एंड पीछे से प्लेन है ये इसके अंदर क्योंकि पतला है ये सॉफ्ट मटेरियल है और साथ में लाइट कलर है तो आप इसके नीचे अपनी स्पैगेटी या इनर ज़रूर डालिएगा इसके बाद आता है इस तरह का ये बॉटम है ये ग्रे कलर के अंदर है कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी को आ, मैच करते हुए इन्होंने लिया है एंड नीचे इस तरह का आप देख सकते हैं इस पर प्रिंट हो रखा है थोड़ा सा वाइड लेग है तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है पैंट की स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है स्टफ़ भी इसका अच्छा है थोड़ा मोटा है इसका एंड फ्रंट से ऐसे है और पीछे से ये इलास्टिकेटेड है तो इसके साथ आता है एक दोपट्टा कॉटन के अंदर दोपट्टा है और इसके ऊपर भी पूरे पे काफ़ी अच्छा प्रिंट हो रखा है तो ये जो पूरा सेट है काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है कंफर्टेबल है एंड यस yes, जैसे भी आप एक्सरसाइज करना चाहो इसे कर सकते हैं स्पेशल ओकेज़न के लिए भी और डेली वेयर में भी और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि पहन के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है फैब्रिक थोड़ा पतला है ऑब्वियसली इसीलिए इतना सॉफ्ट है ये तो इसके नीचे इनर आप ज़रूर डाल लीजिएगा अदरवाइज़ जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ न्यूड नू, लाइनिंग भी आप डालेंगे तो भी काम चल जाएगा इसके बाद है लास्ट आइटम वो है ये ब्लैक कलर की कुर्ती ये सिंगल पीस है कुर्ती ही है एंड इसका मुझे ना ये कलर कंट्रास्ट और गले का जो पैनल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा यू कैन सी कितना प्यारा इसके ऊपर काम हो रखा है सीक्वेंट का, का काम है एंड थ्रेड वर्क है बहुत ही बारीकी से और सफाई से किया हुआ है दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रैंड नेतवन एंड मीडियम साइज में मैंने लिया है स्लीव्स पे भी आपको काम मिल जाता है इस तरह की स्लीव्स हैं स्ट्रीट कुर्ता है एंड यू नो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है रेन मटेरियल के अंदर है इसको मैंने पेयर किया है अपने इस कलर के सिगरेट पैंट्स के साथ जो इसके अंदर कंट्रास्ट कलर अच्छा क्रिएट कर रही है एंड ये पैंट्स ऑलरेडी मेरा एक सेट था उसके साथ आई थी और मैंने स्टिच करवाई थी टेलर से तो ऐसे yes, इस तरह से आपके वॉर्ड्रोब में भी कलर कॉम्बिनेशन होते हैं क्योंकि इसको जब मैंने देखा था तो ये कलर से मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मेरे पास ऑलरेडी बॉटम है ऐसा तो ये काफ़ी अच्छे से उसके साथ पैर हो जाएगा तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह के आउटफिट को है ना थोड़ा सा आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ ब्लैक कलर के साथ वैसे ही अच्छा लगता है और कॉटन के साथ भी ना सिल्वर ज्वेलरी डाल लो अच्छी सी और यस दुपट्टा भी डालना चाहो तो डालो अदरवाइज ऑफिस में कॉलेज में आप इस तरह के आउटफिट डाल सकते हैं और इवन घर पर भी आप डाल सकते हैं क्योंकि क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको मीशो पर मिल जाते हैं तो ये थे चार पाँच कुर्ता सेट्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर और आपको सेट देखने को मिलेंगे और बहुत प्यारा कलेक्शन है सो स्टे ट्यून अब जल्दी से मैं आपके साथ एक क्लिपिंग शेयर कर देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मीशो की ऐप कैसे यूज करनी है और किस तरह से आप अपने लिए शॉप कर सकते हैं और साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मीशो ऐप को डाउनलोड कर दीजिए फिर देन मीशो ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐप आप पे रूट करेगा यू कैन सी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं मैं कैटेगरीज़ पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर आपको फ़ैशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी साथ में होम रिलेटेड एंड किचन रिलेटेड स्टफ़ भी है तो यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ कुर्ता सेट कुर्ता सेट के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे आप स्क्रॉल करके जो भी आपको पसंद आए किसी भी कैटलॉग पे क्लिक कर सकते हैं उस कैटलॉग में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं तो जो आपको पसंद हो वो आप क्लिक करें उस पर एंड देन उसके बाद आप उसे एड टू कार्ट करेंगे तो साइज़ ऑप्शन मांगेगा सिंस यहाँ पर सिर्फ एक ही साइज़ था तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करेंगे चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट के ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी पेटीएम जो भी आपको चाहिए वो आप क्लिक करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आप खुद के लिए शॉप कर रहे हैं तो सेम अमाउंट लिख दीजिए अगर आप बिज़नेस पर्पज से कर रहे हैं तो अपना मार्जिन ऐड करके और प्रोसीड करेंगे आगे आपको फर्दर बैंक डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा एंड दिस इज हाउ यू कैन शॉप फॉर योर एंड डू बिज़नेस सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो आई होप आपको ये सब आइटम अच्छे लगे होंगे एंड या जो दुपट्टे का मैंने आपको एक फैक्ट बताया था वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा हो क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो यू you नो know, अगर आप थोरली सर्च करोगे तो आपको काफ़ी यू नो फायदा पहुंचा सकती है जैसे रेंडमली यू नो डबल प्राइस है एक तरीके से तो सो पचास रुपये तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बट थाउजेंड रुपीज़ का दोपट्टा तो अगर देखा जाए तो काफ़ी महंगा हो जाता है एंड उस हिसाब से अगर आपको सेम क्वालिटी दूसरे प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सस्ता मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है तो आई थिंक या इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए एक ट्राई तो कर ही सकते हैं मीशो पर uh, हर चीज़ uh, का आई कैन नॉट sure, श्योर बट काफ़ी चीज़ें अगर आप अच्छे से सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएंगी सर्च के तरीके है ना थोड़े से इसके अंदर आप पूछ रहे थे कि, कि किस तरह से स्पेसिफ़िक ब्रांड्स को सर्च करें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एंड uh, या मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करके देखते रहना पड़ता है उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें पिक कर पाती हूँ आपके लिए तो यस yes, होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही हो अगर इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन टिल दिन टेक केयर बाय बाय